इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे एक्स जो है पावर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 9 to the power x है तो इसको 9 के बदले में हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसका पावर ये x हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा और ये पावर x हो जाएगा। फिर इनटू ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे जैसे का तैसे रखेंगे इसको, और यहाँ पे ये जो पावर है ये दोनों पावर इनटू हो जाएगा, गुना कर देंगे। तो 3 to the power -x/2 इनटू ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1/27 है तो इसको हम लिख सकते हैं 27 पे पावर -1। यही माइनस जब माइनस में रहता है तो माइनस हटने के बाद ऊपर एक चला जाता है, उसको 1 बाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 ऊपर है तो इसको 1 को जब हटाएंगे तो ये पावर को -1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर हम देख रहे हैं कि ये भी इनटू पावर इनटू में हो गया, तो इसको हम दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 to the power 2x। फिर इनटू यहाँ 3 पे पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, यहाँ ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, यानी कि 3 पे पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब ये 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 3 9 27 हो जाएगा, और फिर इस पे पावर ये -1 हो जाएगा। ये 27 के बदले में 3 to the power 3 यानी कि 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला से हम जानते हैं कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर को क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेम बेस रहेगा तो एक बेस लिख देते हैं और पावर को साइड में ऊपर लिखा जाता है, प्लस कर देंगे। बेस सेम होने पर, मल्टीप्लाई रहने पर पावर प्लस होता है, तो 2x+2+x हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर इस तरह से लिखने का तरीका है, पावर हमेशा ऊपर साइड में लिखा जाता है, इस तरह से दिखना चाहिए। इज इक्वल टू यहाँ पे 3 to the power, ये दोनों पावर जो है इनटू हो जाएगा, 3 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x, 3x+2 हो जाएगा, इसका काम करेंगे तो, और इज इक्वल टू यहाँ पे 3 पे पावर -3 ये वाला हो जाएगा। अब क्या होगा कि 3 3 यहाँ पे बेस अब सेम हो गया, देखिए इक्वल के दोनों तरफ बेस जब सेम हो जाता है तो बेस कैंसिल हो जाता है, पावर को इक्वल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x+2 इज इक्वल टू ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इधर बनाते हैं। अब ये 3x है यहाँ पे, तो 3x इज इक्वल टू ये +2 है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, RHS में -2 बन के चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 -2 क्या हो जाएगा, -5, और ये 3 इंटू में है तो यहाँ पे बाई में 3 चला जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टेप बाई स्टेप।